गुड इवनिंग स्टूडेंट। इवनिंग इसलिए है क्योंकि अब मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलता है, तो हम इवनिंग में वीडियोस बना रहे हैं। और कई बच्चों के जो कमेंट्स हैं, फर्स्टली वेलकम टू मैथ, और शुरू करते हैं। टेंसेस की सीरीज चल रही है तो टेंसेस बता रहे हैं, पर कई बच्चों के कमेंट्स जो आ रहे हैं वो उसमें कमेंट्स में ये आ रहा है कि सर इलेवंथ की वीडियो डालो और डालो, या ट्वेल्थ की डालो या टेंथ की डालो। तो कोई सा भी चैप्टर जो इलेवंथ का है उसका नाम लिखो, बाई मैक बाई अजीत मिश्रा लिखोगे आपको चैप्टर मिल जाएगा। टेंथ का चैप्टर डालो उसमें बाई मैक लिखो, वो चैप्टर मिल जाएगा। ट्वेल्थ का भी, ट्वेल्थ के हमने 70% डाले हुए, 30% चैप्टर्स नहीं है उसमें, काम करेंगे। अभी टेंस की सीरीज बना रहा हूँ मैं, टेंसेस समझा रहा हूँ अपने अकॉर्डिंग, और मैं गारंटी देता हूँ आपको पसंद आएंगे टेंसेस। द वे वी आर टीचिंग टेंसेज दैट इज डिफरेंट, सो वी आर टीचिंग टेंसेज एट दिस टाइम द सीरीज ऑफ टेंसेज आई हैव गिवन प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई हैव गिवन प्रेजेंट कंटीन्यूअस, एंड नाउ टुडे इट्स ऑल अबाउट द प्रेजेंट परफेक्ट। आई एम गोइंग टू टीच यू प्रेजेंट परफेक्ट। व्हाट इज द प्रेजेंट परफेक्ट? Perfect, I'll make you describe, I'll make you understand the what is the present perfect. So firstly, let me clear the definition. What is the clear definition of the present perfect? क्या होता है clear definition present perfect का, और किस तरीके से बताई जाती है? Present perfect की definition में अधिकतर जब भी मैंने किसी बच्चे को, जब मेरे पास वो पढ़ने आया या कहीं पे सुना पढ़ा, तो यही सुना बच्चे पुरानी वाली जो definition है, क्या होता है present perfect? सर जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है, उन्हें हम present perfect कहते हैं। और फिर उसमें कई बच्चे ये जोड़ देते हैं, लिया है, गया है, खाया है, पिया है, व्हाट इज दिस? आप नहीं पढ़ सकते, आप नहीं कर सकते इंग्लिश को इस तरीके से, रटाफिकेशन से, जब तक रटोगे। अगर मैं रट के करूंगा इंग्लिश कि गया है, चुका है, ता है, ती है, मुझे सेंस, लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज सेंस पे होती है, आपको सेंस समझनी पड़ेगी, रट के तो नहीं हुआ कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। और अगर लिया है, खाया है, दिया है, ये आ रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट है। ऐसे तो नहीं, ऐसे तो आप नहीं कर सकते। और क्या चुका है, चुकी है हम बोलते हैं? मैं घर पे गया आपके और मैंने बोला, यार मान लो आपका नाम अमित है, मैंने बोला अमित कहाँ है, उन्होंने कहा, वो ये बोलेंगे अभी गया है, अभी घर से गया है, वो ये नहीं बोलेंगे अभी जा चुका है। तो जो बच्चे रट रहे हैं चुका है, चुकी है, चुके आ रहा है, तो हम कम्युनिकेशन बोलते वक्त किस तरह यूज करते हैं वो देखा। तो क्या डेफिनेशन है, नाम से कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट? चलो जरा मैं समझाता हूँ एक बार। पहले नाम में देखो, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट मतलब वर्तमान, परफेक्ट मतलब खत्म हो गया, जो प्रेजेंट में परफेक्ट हो गया वही तो प्रेजेंट परफेक्ट है। मैंने कोई डेफिनेशन नहीं लिखी है यहाँ, मैं नाम में समझा रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट मतलब जो चल रहा है, परफेक्ट मतलब खत्म हो जाना, जो प्रेजेंट में खत्म हो गया है, जो प्रेजेंट में परफेक्ट हो गया है वही है प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे मैंने बोला तुम अभी आए हो, आ तो गए, कब आए हो? अभी आए हो ना, वो काम खत्म हुआ है, प्रेजेंट में ही परफेक्ट हुआ है, वो काम परफेक्ट हो गया, पर कब खत्म हुआ है? प्रेजेंट में। तो जो प्रेजेंट में परफेक्ट हो जाए वही है प्रेजेंट परफेक्ट। द वर्क विच हैज बीन डन इन प्रेजेंट, क्या तुमने खाना खाया? हाँ मैंने खाना खा लिया है, खा लिया है मतलब मैंने अभी अभी खाया है, वो काम खत्म तो कर लिया, खा तो लिया है, खा तो लिया, पर खा लिया है मतलब अभी अभी खाया है, प्रेजेंट में ही खत्म किया है मैंने वो काम, प्रेजेंट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है जो काम अभी अभी खत्म हुआ। क्या रूल है? रूल है सब्जेक्ट, हैज या हैव लगा दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, आई हैव डन इट, डू की थर्ड फॉर्म, जब लगा दी, मैंने ये कर लिया है, या मैं ये कर चुका हूँ, जो फेमस है, हाँ मैं हमेशा चुका हूँ साउंड तो नहीं करेगा, एक्साइटेड होना पड़ता है ना कहीं ना। जैसे एक वीडियो देखी हमने, आजकल आ रही है बहुत एक्साइटेड टीचर पढ़ा रहे हैं, मुझे इतने सब्सक्राइबर ऐसे चाहिए, वैसे हो रहा है, ऐसे नहीं होना है, ठीक है। बट आई हैव डन इट, नेगेटिव में क्या हुआ? सब्जेक्ट हैज एव नॉट, वर्क की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इंटरगेटिव में हैज एव आगे लगा दो, सब्जेक्ट वर्क की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ एक एग्जाम्पल, जैसे मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन द फूड, तुमने खाना खा लिया है, यू हैव ईटन द फूड। अब अगर बच्चों को कोई बेसिक का बच्चा है कि हैज या हैव कहाँ लगता है वो भी बता दो, हैज लगेगा ही, शी, इट, नाम और सिंगुलर के साथ, हैव लगेगा आई, वी, यू, दे के साथ, नेगेटिव में नॉट लगा दो, इंटरोगेटिव में हैज हैव आगे लगा दो। जैसे मैंने बोला क्या तुमने खाना खा लिया, तो हैव यू ईटन फूड, यू के साथ हैव लगता है, उसे आगे उठा के लगा दो, कुछ भी नहीं करना इंटरोगेटिव में, डब्ल्यू एच फैमिली के भी होते हैं। बट मेरा, what was my motive to make you understand this, to clarify the definition of present perfect, what is present perfect, hindi mein kya tha mera maqsad, mera maqsad tha present perfect ki definition samjhana, present mein jo perfect hai wahi present perfect hai, chuka chuki, kya yaar, keep watching that।